अब अगर हम रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग और लर्निंग में देखें कि रिलेशनशिप क्या है टीचिंग और लर्निंग का, तो सबसे पहले टीचिंग और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टीचर जो होता है वो लर्नर को सिखाते हैं, ठीक है। टीचर और लर्नर क्या करते हैं, जो दूसरे वेरिएबल्स उनको सिस्टेमिक मैनर्स में जो है वो अरेंज करते हैं, ठीक है। लर्नर की नीड्स को असेस किया जाता है, करिकुलम को रखा जाता है सामने, और ठीक है दूसरे वेरिएबल्स देखे जाते हैं, उनको सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्डर अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके अपने प्रीसेट गोल्स जो उनको अचीव किया जाता है, ठीक है। टीचिंग जो होती है वो ऑलवेज जो होती है इंटेंशनल एक्टिविटी होती है, ठीक है। टीचिंग जो होती है अंडर टेकिंग सर्टेन एक्टिविटीज़ द टेंशन ऑफ विच इज़ टू इंड्यूस लर्निंग। उसकी टेंशन क्या होती है कि उसने लर्निंग को इंड्यूस करना है। जिस तरह लर्निंग होती है, लर्निंग आपकी इंटेंशनल और अन इंटेंशनल दोनों हो सकती है, मतलब आप इंटेंशनली भी सीखते हो सकते हो इन अन इंटेंशनली भी, लेकिन टीचिंग हमेशा इंटेंशनल होती है। और उसकी इंटेंशन क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है कि मैंने लर्निंग इंड्यूस करनी है। तो एक टीचर जो होता है वो टीच क्या जो एक टीचर होता है वो अपनी एंटिसिपेशन जो है उसके साथ सिखाता है कि जो वो एक्टिविटी सिखा रहा है वो लर्निंग, तो वो उसके बदले में वो जो मैं आपको सिखा रही हूँ, फर्ज करें अगर मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रही हूँ तो इसमें आपके अंदर लर्निंग तो आ रही है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब लर्न कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे लर्न कर सकते हैं कुछ नहीं भी कर सकते। तो जो है वो आप एंटिसिपेट कर सकते हो लर्निंग को कि जो आप टीचिंग दे रहे हो उसे लर्निंग आएगी, ठीक है। आप एक सोच आपकी अपनी एक एंटिसिपेशन हो सकती है, लेकिन आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते। अब टीचिंग जो होती है एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक्टिविटीज़ जो है कैरी आउट होती हैं दैट एक्सपीरियंस हैज़ शोन टू बी इफेक्टिव इन गेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपको पता चलता है, आपने एक्सपीरियंस किया होता है कि ये अगर हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो इससे स्टूडेंट्स जो है उनमें इफेक्टिव लर्निंग आएगी। अब टीचिंग प्रोसेस के मेन तीन फंक्शन होते हैं, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन और एवेलुएशन फंक्शन, ठीक है। डायग्नोस्टिक फंक्शन जिसमें वो स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उनको असेस करके उनके में जो प्रॉब्लम्स हैं टीचिंग के जरिए वो पता चलता है, उनमें लैकिंग पता चलती है। प्रिस्क्रिप्टिव में फंक्शन में क्या आता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं कि अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी, टीचिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे जिससे ये कमी पूरी हो जाएगी। और वैल्युएटिव फंक्शन होता है जिससे हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और वैल्युएट करते हैं कि एक स्टूडेंट ने लर्निंग कितनी की है। ये टीचिंग प्रोसेस के तीन मेन फंक्शन होते हैं। अब इफेक्टिव टीचिंग जो अकॉर्डिंग टू विलियम एच बर्टन 1958 में उसने ये स्टेजेस स्टेट किया था कि फॉलोइंग स्टेप्स जो होते हैं ये इफेक्टिव टीचिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है ये स्टेप्स जो अगर होंगे तो इसका मतलब है इफेक्टिव टीचिंग हो रही है। टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग जो है वो रिलेटेड टू लर्निंग होगी। ये नहीं होगा कि जो आप टीचिंग दे रहे हैं वो आपके लर्निंग से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो एग्जैक्ट लर्निंग से रिलेटेड होगी। अब फर्स्ट कह रहे हैं अगर एक टीचर है वो आपको बायोस्टैट पढ़ाता है और वो आपको बायोस्टैट के अंदर टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ाना शुरू कर दे तो आपका क्या ख्याल है, आपको बायोस्टैट की समझ आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगी कि ये बायोस्टैट जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड कैसे है, ठीक है। तो इसी तरह एक टीचिंग जो है वो लर्निंग से रिलेटेड होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट टीचिंग जो है, जैसे इसमें एक और एग्जांपल भी आ सकती है कि अगर आपने केमिकल रिएक्शन सीखने हैं तो ऑफ कोर्स आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस के लिए आप कभी भी फिजिक्स लैब में नहीं जाएंगे, बल्कि जो चीज़ आपने सीखनी है आप उसी से रिलेटेड टीचिंग भी लेंगे। फिर अप्रोप्रिएट टीचिंग कंडीशंस जो हैं वो शुड बी जनरेटेड फॉर एन अफेक्टिव कंडीशंस, अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव लर्निंग के लिए अप्रोप्रिएट टीचिंग कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन अच्छी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट की इफेक्टिव लर्निंग हो। फिर टीचिंग स्ट्रेटजी और टैक्टिक जो हैं वो इस तरह से सिलेक्ट होनी चाहिए कि उससे जो आपने गोल है वो अचीव करना है। जैसे फर्ज करें अगर मैं आपको लर्निंग थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या लर्निंग मॉडल्स पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए अच्छा मेथड हमारे पास क्या होगा, वो लेक्चर मेथड होगा। मैं लेक्चर मेथड से आपको गाइड करूँगी कि ये थेरीज होती हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन पढ़ा रही हूँ तो वो मैं आपको अगर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी तो ही आप जो है वो अच्छी तरह से लर्न कर सकेंगे और मेरा गोल अचीव होगा, वरना वो नहीं होगा। उसके बाद टीचर जो है उसको
अंडरस्टैंड करना चाहिए रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस सक्सेसफुल वन। उसको एक टीचर को भी जो है वो टीचिंग और लर्निंग दोनों का रिलेशनशिप समझ आना चाहिए कि वो जो टीचिंग दे रहा है वो लर्निंग से रिलेटेड हो और जो लर्निंग उसने बच्चों में लेके आनी है वो उनके अंदर आ जाए। ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाएं फिर ही आपका जो प्रोसेस है टीचिंग प्रोसेस वो सक्सेसफुल होगा। प्रिंसिपल क्या आ सकते हैं, जैसे हमने लर्निंग के प्रिंसिपल पढ़े थे इसी तरह टीचिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें ये होता है कि पहला जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि इनकरेज फैकल्टी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। आपका टीचर टीचर स्टूडेंट का जो कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। टीचर स्टूडेंट जो है टीचर को इजीली अप्रोच कर सके। उसके बाद कोऑपरेशन, स्टूडेंट्स के अंदर अपने अंदर भी कोऑपरेशन होनी चाहिए कि अगर एक टीचर कुछ बता देती है किसी स्टूडेंट को तो एक स्टूडेंट अगर नहीं आता हो तो वो अगले दिन आके अपने दूसरे क्लास फेलो से पूछे कि टीचर ने क्या पढ़ाया। इस तरह कोऑपरेशन से लर्निंग डेवलप होगी। एक्टिव लर्निंग जो है उसको इनकरेज करना चाहिए, मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है उसको इनकरेज करना चाहिए। उसके बाद जो है प्रॉम्प्ट फीडबैक, कि उसी टाइम फीडबैक मिल जाना चाहिए कि भाई जो आपने लर्निंग की है वो ठीक की है या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे। फिर टाइम एक होना चाहिए टास्क के लिए, ये नहीं कि एक चीज़ मैंने आपको आज दे दी है तो एक हफ्ते बाद उसके बारे में पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहा है कि आपका टेस्ट कल है तो इसका मतलब कल है, तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपको पता होगा, आप फोकस्ड होंगे कि आपने एक चीज़ याद करनी है। फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो कम्युनिकेट करें कि भाई मैंने जो आपको सिखाया मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक्सपेक्टेशन हाई होंगी तो आप एफर्ट ज़्यादा करेंगे, एफर्ट ज़्यादा करेंगे तो लर्न ज़्यादा कर सकते हैं। फिर एक और होता है कि रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट्स एंड वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगर आपको कोई नई चीज़ जो है वो देखने को मिलती है या नई चीज़ जो है वो मिल रही है कि इस तरह से सिखाया जा सकता है तो आप उनको अपनाएं, ना कि ओल्ड मेथड्स को अपनाएं। उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग में रिलेशनशिप क्या है कि दोनों टीचिंग और लर्निंग दोनों फॉर्मल भी हो सकते हैं इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। अगर मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ तो इसका मतलब मैं आपको फॉर्मल टीचिंग दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आप घर में आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज़ बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं आपने बात करनी, इस तरह बात करनी है, जब बड़े हैं तो आपने उनको सलाम कहना है, इस तरह कहना है, तो वो एक इनफॉर्मल टीचिंग हो जाती है, ठीक है। इसी तरह लर्निंग होती है, अगर आप क्लासरूम में बैठ के प्रॉपर तरीके से बैठ के एक टाइम दे रहे हैं तो वो आपकी फॉर्मल लर्निंग है। लेकिन जब आप उस बाहर जाते हैं अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनको कैसे आपने मिलना है, कैसे मैनर्स में रहना है, ये सारी चीज़ें आपकी इनफॉर्मल लर्निंग है। फिर दोनों गोल ओरिएंटेड होते हैं, दोनों में गोल सेट हुए होते हैं। टीचिंग में गोल्स क्या सेट हुआ होता है कि लर्निंग करवानी है, और लर्निंग में गोल क्या सेट हुआ होता है कि हमने लर्न करना है। इसी तरह जो है वो एक गुड टीचिंग जो है वो गुड लर्निंग के में रिजल्ट होती है, ठीक है। आपने अच्छी टीचिंग देनी है तो उससे आपको अच्छी लर्निंग ही मिलेगी, ठीक है। या अच्छी लर्निंग आप लेंगे तो आप अच्छी टीचिंग दे सकेंगे, ठीक है। वन कैन ऑब्जर्व टीचिंग बट नॉट लर्निंग। आप टीचिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं टीचिंग किस तरह हो रही है, लेकिन आप लर्निंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लर्निंग पे आपको हमेशा आपका फीडबैक मिलता है। उसके बाद बोथ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर, दोनों टीचिंग और लर्निंग जो दोनों हैं उनमें आपको स्किल भी चाहिए होती है, क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है, इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है, और दोनों ही एक डेफिनेट प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद गुड टीचिंग जो है उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और गुड लर्निंग में जो आपकी लिसनिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फिर जो गुड लर्नर होते हैं वही गुड टीचर होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या आता है। अब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस अगर दोनों इकट्ठे हैं तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा ट्यूटर का रोल, जो टीचर का रोल होता है, एक स्टूडेंट रोल होगा कि स्टूडेंट किस तरह काम करता है। अब इस प्रोसेस में एक स्टेज आती है प्रोसेस की, पार्टिसिपेशन की, आइडेंटिफिकेशन की, उसके बाद इंटरनलाइजेशन की और डिसेमिनेशन की। एक्सपोजर जो होते हैं उसमें एक टीचर जो है एज अ मोटिवेटर रोल प्ले करता है, और जो स्टूडेंट होता है वो एज अ अटेंडर रोल प्ले करता है। एक स्टूडेंट अगर देखेगा उस वो एक चीज़ के कोई की तरफ एक्सपोज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो मोटिवेट हो रहा है कि वो न्यू चीज़ को सीखे, ठीक है। और टीचर जो है वो उसकी उस मोटिवेशन को क्या करेगा, देखेगा, असेस करेगा, फिर एक स्टूडेंट जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट किस तरह से करेगा, चीज़ों में इंगेज होगा, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा। अब जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो एक टीचर जो है उसको एज अ कैटलिस्ट जो है रोल प्ले करना पड़ेगा, और स्टूडेंट को एज अ एक्सप्लोरर। कैटलिस्ट वो होते हैं जो आपकी लर्निंग को, जो आपकी मोटिवेशन को इंक्रीज करवाता है, ठीक है, आपको न्यू चीज़ें देके, न्यू टास्क देके। और एक्सप्लोरर वो होता है जो एक चीज़ में इंगेज होके
चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि मैं मज़ीद इसे क्या सीख सकता हूँ। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन में टीचर एज अ मॉडरेटर काम करते हैं, वो सेस करता है, और जो टीचर स्टूडेंट होते हैं वो एज अ एक्सपेरिमेंटर काम करते हैं और चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इंटरवेन करते हैं मीनिंग को, कि इसमें से और मैं क्या मीनिंग निकालूँ, एक न्यू चीज़ बिल्कुल इन्वेंट कर देते हैं। ठीक है, इन्वेंटिंग मीनिंग। उसके बाद इंटरनलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, टीचर उसके अंदर उसको सस्टेन करता है, मेंटेन करता है, और स्टूडेंट उसको एक्सटेंड करता है कि जो उसने चीज़ें इंटरप्रेट, रिकंस्ट्रक्ट और इन्वेंट की है, अब वो उसको जो है वो एक्सटेंड किस तरह से कर सकता है। एक्सटेंड इस तरह से कर सकता है कि वो इनरिच कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ट्राई आउट कर सकता है न्यू चीज़ों को। ठीक है, फिर डिसेमिनेट मतलब पार्ट्स में उसको डिवाइड करके रिव्यू, एवलुएट, एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट टीचर इसमें जो अपने स्टूडेंट को फीडबैक देगा, और स्टूडेंट जो एज अ इन्फ्लुएंसर काम करेगा। ये था हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस। अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर हम देखें तो टीचिंग जो है वो कौन कैसा प्रोसेस है, इंटरेक्टिंग प्रोसेस है। मतलब इसमें स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है। ठीक है, और जब एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है तो ये इसमें क्या लेके आते हैं, नॉलेज, स्किल्स, और उसके अलावा उसमें उसका एटीट्यूड चेंज होता है, उसमें वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं ताकि उनकी एक्टिविटीज़, उनका नॉलेज, वैल्यूज़ और एटीट्यूड इन्हांस हो। ठीक है, टीचिंग अप्रोचेस की डेफिनेशन क्या है? टीचिंग अप्रोच ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल, बिलीव्स या आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो एक नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में होते हैं, विच इज़ ट्रांसलेटेड इंटू क्लासरूम। क्लासरूम में भी हो सकता है, किसी भी सेटिंग में हो सकता है, जहाँ पे भी आपको लगे कि टीचिंग जो है वो देनी चाहिए, वो सेटिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम टीचिंग अप्रोचेस की बात करें तो उनकी एग्जाम्पल में दो तरह की आ जाती हैं, टीचिंग सेंटर होती है और लर्नर सेंटर होती है। टीचर सेंटर में कौन सी होती है? सब्जेक्ट मैटर सेंटर, मतलब वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, ठीक है, और सब्जेक्ट पे पढ़ाते हैं। उसी तरह टीचर डोमिनेटेड होती है, टीचर डोमिनेट होता है, वो अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करता है, डिसिप्लिन होती है, डिसिप्लिन में चलता है, इंडिविजुअलिस्टिक होती है, इनडायरेक्ट और गाइडेड होती है। ठीक है, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको टीच करता है और गाइड करता है। जो स्टूडेंट लर्नर सेंटर होती है, वो लर्नर सेंटर भी होती है, मतलब वो अपनी लर्निंग के बेस पे होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, मतलब पूछते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन करके फिर सीखते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड मतलब पार्ट्स में लर्निंग होती है, कि जो चीज़ नहीं आती कभी वो सीख ली, कभी वो सीख ली, ऐसे नहीं करते कि सारी चीज़ें सीखनी है, जिन जो उनको लगता है ज़रूरी है वो उसके ऊपर ही काम करते हैं। उसके बाद कोलैबोरेटिव होती है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके सीख सकते हैं, डायरेक्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की, जिस तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की बात की थी, तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है उसमें हम प्रीवियस, एक पहला होता है प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना। ठीक है, टीचर अपने प्रीवियस नॉलेज नॉलेज को यूज़ करके टीचिंग दे सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसको उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये है कि कुछ अगर स्टूडेंट्स बहुत वीक हैं, उनके ऊपर स्पेशल जो है वो काम करके, स्पेशली उनको टाइम दे के फिर उनको टीचिंग दी जाती है। जो अच्छे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको असाइनमेंट्स दी जाते हैं, कि ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, मतलब टीचिंग का एक प्रिंसिपल ये भी होता है कि वो स्टूडेंट में मोटिवेशन पैदा करे। ठीक है, मीनिंगफुलनेस आता है, उनको मीनिंगफुल दे, मतलब कनेक्शन, लर्निंग को कनेक्ट करके, नॉलेज कनेक्ट करके उनको एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करे। फिर डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन, कि एक लेसन है उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, जो अभी भी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स से स्टार्टिंग करनी, सिंपल से स्टार्ट करनी है। फिर कंक्रीट टू ऑब्जेक्ट, हमेशा कंक्रीट से कॉन्सेप्चुअल चीज़ की तरफ जाना है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। और नाउन टू अननाउन, जो चीज़ें जानते हैं उससे शुरू करें और अननाउन तक जाएं। मतलब फ़र्ज़ करें, अगर एक टीचर है वो आपको लेक्चर देने आता है, और उससे पहले वो आपको पूछता है कि क्या आपको ये टीचिंग के बारे में पता है। अगर आपने डेफिनेशन टीचिंग की बता दी तो इसका मतलब उसको, आपको ये पता है। अब आप उसको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों को किस हद तक नॉलेज है और किस हद तक नहीं है, तो वो उन चीज़ों पे काम करेगा जो उनको नहीं है, बजाय इसके कि वो सिर्फ उन्हीं को रिपीट करता जाए जो उनको पता है। उसके बाद जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन सिलेक्शन एंड यूज़ टीचिंग स्ट्रैटेजी। अगर हमने टीचिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है और सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग जो है वो एक्टिव,
प्रोसेस है, ठीक है, मतलब आपने स्टूडेंट्स को जो है, लर्नर को जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व करना है लर्निंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है, इफ़ वी वांट देम टू लर्न व्हाट वी इंटेंड टू टीच, जो हम टीच करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं वो सीखें भी, तो उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे रिटेंशन, एक रिसर्च है उसने शो किया था कि अगर हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो 75% तक रिटेंशन होती है, अगर आप दूसरों को टीच करना शुरू कर देते हैं तो 90% तक रिटेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद जितनी आप अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं उतनी ही ज़्यादा अफेक्टिव टीचिंग होती है। अब टीचिंग प्रोसेस 3 तरीकों से हो सकता है, प्लान से, इम्प्लीमेंट और एवेलुएट से। जैसे कि टीचिंग में 3 फेजेस आती हैं, स्टेज 1 में प्रीएक्टिव स्टेज आती है, स्टेज 2 में इंटरएक्टिव स्टेज आती है, और स्टेज 3 में पोस्ट एक्टिव स्टेज आती है, ठीक है। इनमें भी स्टेज 1 है उसमें की अगर हम बात करें तो प्रीएक्टिव स्टेज में, मतलब अगर आप एक क्लास में टीचिंग देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप प्रिपेयर होकर जाते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फिक्स गोल होने चाहिए और कॉन्टेंट होना चाहिए, और आप का डिसीजन हो कि आपने किस स्ट्रेटजीज के थ्रू टीचिंग प्रोवाइड करनी है। इंटरएक्टिव जो फेज है, इंटरएक्टिव से ही पता चल रहा है कि आपस में इंटरेक्शन है, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपका इंटरेक्शन होता है आपको पता चल जाता है जिस लर्नर को आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर कौन सी कमी है और कौन सी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और आपको कैसे एक्शंस और रिएक्शंस मिलेंगे उनसे, आपने कौन सा एक्शन देना जिससे आपको वो रिएक्शन मिलेगा जो आपको चाहिए। फिर पोस्ट एक्टिव है, ठीक है, बाद वाली स्टेज जिसमें आपने टेस्ट डिवाइस जो है, डिवाइसेस अप्रोप्रिएट यूज़ करनी है और फीडबैक और टेस्टिंग प्रोवाइड करनी है ताकि पता चले कि एक लर्नर ने कितना लर्न कर लिया। उसके बाद प्लानिंग फेज में अगर मैं हम आए तो प्लानिंग फेज जो है उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, प्लानिंग फेज में पता होना चाहिए कि लर्नर की नीड्स क्या है, ठीक है, वो क्या लर्न करना चाहता है, वो किस बारे में जानना चाहता है। फिर हमें, हमारे पास जो है वो गोल और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है, जो जिनको हम नीड्स को पूरा करने के लिए जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास उन ऑब्जेक्टिव्स का कंटेंट होना चाहिए, आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए उन गोल्स को कैरी आउट करने के लिए। फिर अप्रोचेस आपने देखनी है कि आप वो गोल किस तरह से, किस अप्रोच को यूज़ करते हुए गोल्स को कैरी आउट कर सकते हैं, लेक्चर मेथड से कर सकते हैं, वीडियो दिखाने से कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से कर सकते हैं। फिर वैल्यूएशन प्रोसेस टू मेजर द लर्निंग आउटकम, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे हमने डोमेन्स पढ़ी थी कोग्निटिव, साइको मोटर, अफेक्टर, तो हम उनके थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं कि आपने कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, साइको मोटर या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो उन्हीं के से रिलेटेड अगर आप कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं तो जो आप वैल्यूएशन करेंगे वो भी आपकी इसी तरह से होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप उनके उन्होंने कोग्निटिवली कितना सीखा है, तो ये आपके वैल्यूएशन प्रोसेस में आ जाता है। अब जो प्लानिंग में कंसिडरेशंस होती हैं, आपने किस किन चीज़ों को कंसिडर करना होता है, वो है लर्नर, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कि जो जिस तरीके से आप सिखाना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर मटेरियल है, मतलब अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन से सिखाना चाह रहे हैं आपके पास चार्ट्स वगैरह या जो चीज़ें आपको चाहिए बोर्ड वगैरह वो जो है, लेक्चर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप अगर आपको मल्टीमीडिया रिक्वायर है, ब्लैक बोर्ड रिक्वायर है, व्हाइट बोर्ड रिक्वायर है, मार्कर्स रिक्वायर है, तो ये आपके पास होने चाहिए, टाइम होना चाहिए, उसके पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इस तरह की जिससे आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें। इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है इसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्शन में लेके आते हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए, ठीक है। और इंट्रैक्शन जो है इसमें आपके स्टूडेंट और लर्नर की इंट्रेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे नीड असेसमेंट हो जाती है। और फिर आप क्या करेंगे कि आप इस फेज में डिफरेंट जो टीचिंग स्टाइल और स्ट्रेटजीज है वो यूज़ करेंगे ताकि आपने जो टीचिंग देनी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद वैल्यूएशन फेज में आप क्या करेंगे, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो और जो आप टीचिंग के बाद जो लर्निंग आउटकम आया है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है उनको मैच करेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके साथ उनके लर्निंग आउटकम मैच हो रहे हैं इसका मतलब आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर लर्निंग आउटकम आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच नहीं होते, मतलब एक स्टूडेंट नहीं सीखता वो चीज़ें जो आप उसको सिखाना चाहते हैं, इसका मतलब वो मैच नहीं हुए और आपको दोबारा से प्लानिंग फेज में जाना पड़ता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाके स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं। फिर आप आंसर करते हैं क्वेश्चन को, इफ द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन हैव बीन सक्सेसफुली अचीव, ठीक है, और फिर आप उस पर फीडबैक देते हैं। बेसिक अजम्पशंस क्या होती हैं टीचिंग जो होती है वो, अब बेसिक अजम्पशन क्या है, टीचिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है, विद द चेंज ऑफ बिहेवियर एज अल्टीमेट एंड,
जिसकी वजह से होता है कि एंड पे जो है उसका वो गोल क्या होता है कि जो बिहेवियर है वो एंड पे चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, टीचिंग जो होती है वो रैशनल होती है, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, टीचिंग जो होती है वो एक लर्निंग के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है टू चेंज देयर ओन थिंकिंग और डिजायर बिहेवियर। आप अगर एक स्टूडेंट को सिखाना शुरू करते हैं, एक बात रोज बताते हैं, रोज बताते हैं, रोज बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके उस बात पे कोई उसको बात वो याद होगी, और जब वो काम करने लगेगा तो उसको बात याद आएगी, मेरा टीचर मुझे रोज़ ये बात बताता है, मैंने ये काम नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा बताते हैं, ठीक है, और उसको सही से समझ नहीं आती, तो वो कभी भी आपकी बात को याद नहीं कर सकता। तो इसलिए टीचर जो होते हैं अपने एक्शंस के ज़रिए से अपने लर्नर के बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को, उसके डिज़ायर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो लर्न इस तरह फिर लर्निंग जो जो टीचिंग है वो एक ऐसा तरीका होता है जिससे बिहेवियर चेंज हो सकता है थ्रू द इंटरवेंशंस ऑफ टीचर। मतलब जो उसने जो भी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, इंटरवेंशंस करनी है, वो उसके ज़रिए वो अपने स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज कर सकता है। अब गुड टीचिंग कैसे होती है? वेल प्लान्ड होती है। ठीक है, जिसमें और जिसमें एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं तो वो केमिस्ट्री लैब में ही होंगी और वो आपके एक्सपेरिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, और अगर जो है वो आपकी, अब फर्ज करें जैसे आपके ब्लड सैम्पलिंग वाली बोर्ड है, सॉरी ब्लड ब्लड बैंक वाली एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ब्लड ही कलेक्ट होगा, वहाँ पे आपके सैंपल कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, ना वो लेबॉरेटरी का काम वहाँ पे किया जाएगा। तो इसी तरह एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। एक इमरजेंसी की अगर स्टाफ है तो वो इमरजेंसी में ही अच्छा काम कर सकेगी। ठीक है, अगर आप उसको सीसीयू में भेज देंगे तो कुछ टाइम के लिए उसके रिफ्लेक्सेस उस तरह नहीं होंगे जो एक इमरजेंसी में जिस तरह वो परफॉर्म करती थी, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें उसके लिए न्यू होंगी। फिर अगर आप फिर गुड टीचिंग कैसे होती है? बियॉन्ड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उससे आगे तक जाती है। सिर्फ ये नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना है, याद करवाना है, वो ये भी होता है कि न्यू आपने चीज़ों जो है वो कैसे डिस्कवर करवानी है। और एक गुड टीचिंग ऐसी होती है जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, सिचुएशन लर्निंग एक्सपीरियंस और सिचुएशन प्रोवाइड करती है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करेगी। अब अगर एक क्वेश्चन थ्रो किया जाए कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत होते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक टीचर जो है वो हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है, वो हमें सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिंगल स्टूडेंट जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेगा? तो ये उनका क्या है, ये उनका नेगेटिव बिहेवियर है किसी भी सब्जेक्ट को लेके। तो लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जो होती है वो चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को चेंज करना जो है वो लर्निंग है। ठीक है, जो सेल्फ एक्टिविटी या एक्सपीरियंस की वजह से आता है। अब लर्निंग जो है वो यहाँ पे इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी हो सकती है। मतलब आप इंटेंशनली भी कोई चीज़ सीख सकते हैं कुछ प्री प्लान करके, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने प्लान नहीं की होती लेकिन वो आपके बिहेवियर में आती जाती हैं। जैसे आपके घर में होता है कि जब कोई बड़ा है तो आपने खड़े होकर उनको जगह देनी है, वो बैठ जाए, तो ये आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा आता है तो छोटे जो उठ के बैक साइड पे हो जाते हैं, तो जब आप उनको देखते हैं तो आप भी फिर वो बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं और वो अनइंटेंशनल होता है। इसी तरह लर्निंग जो है वो दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है, बिहेवियर लर्निंग पे और कॉग्निटिव लर्निंग पे, जो हमने ऑलरेडी बिहेवियर लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में पढ़ ली है। इवेंट्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं? इंटरनल इवेंट्स जो हैं, इन मरहले जो हैं लर्निंग में कौन से आते हैं? मोटिवेशन फेज़ आ सकती है, प्री एंडिंग फेज़ आ सकती है, इक्विजिशन फेज़ आ सकती है, रिटेंशन फेज़ आती है। ठीक है, लर्निंग में रिकॉल फेज़ आती है, जनरलाइजेशन फेज़ आती है, फीडबैक फेज़ आती है। मोटिवेशन फेज में क्या होता है कि लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न बाय एक्सपेक्टेशन दैट लर्निंग विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, मोटिवेशन फेज जो है उसमें ये होता है कि जब भी एक एक लर्नर जो है वो इस चीज़ से मोटिवेट होता है कि जब वो कोई चीज़ लर्न कर देगा तो उसमें उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग ये कहें कि आप लोग पोस्ट अर्न करेंगे तो आपको रिवॉर्ड ये मिलेगा कि आप ग्रेजुएट्स हो जाएंगे, तो ये आपकी मोटिवेशन फेज़ है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी लर्निंग के लिए। अप्रीहेंडिंग फेज़ जो है इसमें स्टूडेंट जो है वो अटेंशन देता है। ठीक है, पे अटेंशन इफ लर्निंग हैज़ टू टेक प्लेस। ठीक है, अप्रीहेंडिंग फेज में फिर अब वो अटेंशन देगा कि लर्निंग हो,
मतलब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप हैप्रीहेंडिंग फेज में. एक्विजिशन फेज जो है उसमें क्या होता है कि वाइल द लर्निंग इज पेइंग अटेंशन स्टेज इज सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड. जब आप अटेंशन दे रहे हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ठीक है, और आपका जो स्टेज है जिसमें आपने लर्न करना है वो स्टेज भी सेट है और आप इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद रिटेंशन फेज जो है, रिटेंशन फेज में आपके पास क्या आ जाता है, रिटेंशन फेज में जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपके शॉर्ट टर्म जो है वहाँ से लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, मतलब रिटेन होना शुरू हो जाती है रिटेंशन फेज में. रिकॉल फेज में आप प्रीवियसली नॉलेज को जो है वो रिकॉल करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो क्रिटिकल फेज है, ठीक है, उसमें लर्न किया जा सके. जनरलाइजेशन फेज में आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन के में ट्रांसफर करते हैं ताकि आप जो न्यू जो आपने इन्फॉर्मेशन लर्न किया अब उसको अब आप उसकी एप्लीकेशन भी कर सकें, ठीक है. फीडबैक फेज में स्टूडेंट जो है उनको उनके परफॉर्मेंस के ऊपर फीडबैक मिलना चाहिए. फीडबैक मिलेगा तो उससे उनकी असेसमेंट होगी कि उन्होंने जो है वो कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा और क्या नहीं सीखा, ये सारी चीज़ें उनमें आ जाएंगी. तो ये था रिलेशनशिप टीचिंग एंड लर्निंग का भी, और उसके अलावा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी जो हमने आज सीखे हैं.